सो फ्रेंड मैं आज ये टोरेन प्लान को रिपोर्ट करने वाली हूँ जो कि 4 इंच के पोर्ट में लगा हुआ है। सो नीने हूँ पोर्ट रोहना नुनी मैंने ग्रोथ अड़ी बेस हुई नुई पिंचिंग नुई के जगह कहीं हूँ होना। सो इसको थोड़ा सा बड़ा पोर्ट चाहिए। सो मेरे पास उतना बड़ा तो नहीं है, फिर भी मैं इसको रिपोर्ट कर दूंगी। सो नुई की ये रिपोर्ट या नुई सॉइल विक सिल्का बना सो ना क्या पेसला सियारा आर और ये फ्लावर प्लांट जो कि ये मैंने यानी कि साल भर खिलता रहता है। सो नोना विंटर बाहर आ रहा ना, फिर भी ये साल बहुत बार खिलता है और ये आपके गार्डन में एक बार आपने गार्डन में ऐड कर लिया तो ये ख़त्म होगा ही नहीं। सो एक ही प्लांट से आप बहुत सारे कटिंग भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये वाले सब नुकू को जेते नुकू को पिंचिंग लाट क्वींस और टोरेन इनके ही प्लांट को मैंने पिंच की थी, उनकी ही छोटी छोटी कटिंग एक कटिंग अड़ी इजीली लगा जहाँ तीनों हुडिंग कटिंग हो आप पे लगा दरा को पिंच को पे उनको लगा दरा को जहाँ चलकर नोरे देखिए इसमें देखिए सिर्फ 4 ही लिप्स है, फिर भी ये प्लांट ग्रो हो गया, इसमें रूट्स भी आ चुकी हैं। सो ना अड़ी हुडिंग कटिंग हो लगा और लागे बहा और ना बरसों सारा बहा और मिधो जो गार्डन एडा कापे और चाबा के बाई चाबा उनका जिनिस करना नुआ जांग न्यूरा का है ना दार आटी गोड़ का कता है ना और नूनी रे। बस एक बात का आपका ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इसको रेगुलर वाटरिंग करना पड़ेगा क्योंकि इसकी सॉइल जल्दी ही ड्राई हो जाती है क्योंकि प्लांट की ग्रोथ भी उसी हिसाब से होता है। तो चलिए इसकी सॉइल मिक्स बनाते हैं। तो सॉइल में मेरा नॉर्मल गार्डन का सॉइल है और सैंड है और DAP और एप्सन सॉल्ट है और सरसों की खली में ऐड कर रही हूँ क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रही है तो सरसों की खली आप ऐड कर सकते हैं। तो सरसों की खली हो नहीं हाँ और बोन मिल में ना नीम खली में ना और नए नगे ना ना मिक्स है यार मई ना और मैं इसको ज़्यादा बड़े पॉट में शिफ्ट नहीं करी हूँ, बस इतना छोटा वाला पॉट ही है। तो नुआ रही यार ये थोड़ा गहरा नहीं है, थोड़ा सेलो पॉट है तो इसकी यानी कि ये फैलेगा। सो कई राउंड शेप दिया तो ना ही सब नोनी पॉट रही है कि नहीं तो मिक्स है और उड़क को सो हसा मिक्स हुई कि निका सो नीन मान हसा और ओना परे नुनी दारे खु माने पोट खु दारे उड़क किया। सो नोना उड़क अड़ी माने सिंपल गया। सो इनको निकालना बहुत सिंपल है, आप इस पोट को थोड़ा टैप टैप कीजिए अपने आप निकल आएगा। सो एक हाथ से नहीं हो पा रहा है नौ निके जहाँ आगे टूल्स में ना नौना थे टैप टैपे पे तो हासा सावते ही उड़ो पाए। सो मिट्टी के साथ ये निकल आता है। सो मैं पहले निकाल लेती हूँ। सो नौ नल पे उड़ो के ना पूरा। सो ये निकल गया इजीली। सो नौ निके के आप पोटर रोहे का खान पे साइड साइड टैप टैप मारने के खान गे पे उड़ो को आ। सो उन्होंने उड़ो किया आ रोया। सो इसकी मुझे मिट्टी ज़्यादा निकालनी नहीं पड़ी क्योंकि इसमें मिट्टी इसकी पूरी नहीं निकली। सो आधा उड़ो के ना तो उन्हें हसा वही ये उड़ो क्या। सो इसकी कटिंग सब मैं साइड कर लेती हूँ। अनुकू को हुडिंग जहाँ ना ईयर डिस्पोजल ग्लास या तो जहाँ हुडिंग पॉट रहे रहे का कोई तो छोटे वाले पॉट में इन सबको लगा लूँगी नानी का। इसकी थोड़ी सी सॉइल में साइड कर रही हूँ और इसके देखिए ये जो लीफ सब खराब हुए इन सबको आपको निकाल देना है और इसमें देखिए रूट्स आ रहे हैं। सो नोना अड़ी लागे रहे दो आनुकू पूरा रहे दाकना को गोटा के आनोनी के नोड़े रोह के इसे लगा देना है और पानी डाल देना सॉरी और इसके ऊपर मैं मिट्टी डालूंगी। सो पूरा आलो पे पेरे जा किसी जगह आड़ा का पे दा दूल लगी जहाँ से दा आलो ओड़ो गिड़ी मा उनका सुने ना। सो मैं इतना भर ली हूँ और इससे लेना सो इतना हिस्सा मैं छोड़ रही हूँ जिससे पानी डालने के टाइम पानी बाहर ना गिरे। सो आपे हो हासा जाती इसकी एम आपे पूरा कुंडा आलो पे पेरे उतरा कि चीज जगह अड़क पे दाल लगी दाएम लगी सोनो ना बढ़ावा कता है ना तो ना तो दारे हो दा नामाए और बेचता है ना तो जेते रोही हुई को लगी। सो चाटी दारे में ना को तीन मैंने सेना को तो उनको रोही पर आप देखा पे गोलू हो है जेना उन्हीं हो दारे रोही से नाई के ना। सो इसको भी प्लांट लगाना है नो नो गोलू रहने दो हुआ इतना ही करो हो गया खत्म चलो हैंड वॉश करो चलो। सो उन्हीं हो नाम बड़ाई ना आ ठियाओ नहीं क्या हुआ गोलू
कुछ लगे वो तो रोहो ही विकेट को जितेदार है। सो चार टिके सेना को, सो चार प्लांट ही बड़े थे तो इनको मैं रिपोर्ट कर चुकी हूँ और इनको पानी डाल दूंगी। और इनको मैं यानी कि रूट डैमेज तो कुछ नहीं हुआ है तो डायरेक्ट ओपन धूप में ही रखूंगी इनको। देखो नहीं तो नुकु को रिपोर्ट आती इनके दो दिन हुई गया। सो ठीक गया को जेते, अब सभी ठीक है। दो दिन हो चुके हैं और प्लांट पूरा सही है, आने तो पूरा सीतुम रह दूंगा कोई। और इनको मैं आज धूप में रख दूंगी, आने तो उमल बहन धोखा। सो लेगी धरादार है, इनको छाँव में रखेंगे थोड़ा लेगी सा प्लांट होगा। सो इसको थोड़ा घना सेप देने के लिए तो मुझे इसको धूप में ही रखना पड़ेगा। सो सीतुम रह दूंगा कोई ना। तो आते ही जब ब्लॉग तो नहीं गए आ रही जब ब्लॉग जी खुशी पे तो लाइक पे शेयर पे सब्सक्राइब पे, आपको फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब पे जोहार।